हमारे देश में हम लोग कई तरह के जो डांस हैं वो करते हैं, जो हमारे परंपरागत डांस हैं, यानी जो हमारे बहुत सालों से हमारे बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं, जो हमारी अपनी कला है, जो हमने अपने देश में विकसित की, हमने बनाई, उसमें से एक कला है कथक डांस। तो यहाँ पर कोई पढ़ सकता है क्या लिखा है पूरा? ये क्या लिखा हुआ है, कौन पढ़ेगा? कोई क्या लिखा है? जोर से बोलो, जोर से। सुनेंगे तभी तो सीखेंगे। तो ये जो दीदी हैं, आप लोगों से थोड़ी ही बड़ी हैं, ये और जो भैया बैठे हैं, ये लोग जो है बताएंगे कि कथक क्या होता है। तो सदानंद जी, आप लोगों को बताएंगे कि कथक जो है वो किस तरह की आर्ट फॉर्म है, किस तरह की कला है और कैसे हमारे देश के की संस्कृति से जुड़ी हुई है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा सब लोग। आपके हार्ट यहाँ पर धक धक करता है, कैसे करता है? नहीं, उसके वरना नहीं करते, नहीं धक धक करते। अभी लगाओ अपने लेफ्ट हैंड यहाँ लगाओ। कैसे धक कर स्पीड है उसका? धक धक हो रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको धड़कन। तो हमारे जो आपके जो दिल के धड़कन है, हमारे संगीत के भी धड़कन है। धा धिन धिन धा, देखिए हाथ देखिए, धिन धिन ऐसे धड़क रहा है ना। ना तिन तिन ता ता धिन धिन धा धिन धिन धा 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 धा। अच्छा, इसके बाद तो अब राकेश जी आपको बताएंगे थिएटर के बारे में, रंगमंच के बारे में। सबको नमस्ते। कैसे किए मैंने नमस्ते? ऐसे करते ना नमस्ते। अब आपको क्या करना है कि जो मैं करूंगा वो क्या करना है? आपको करना है। तो अगर मैंने दोनों हाथ ऊपर किए तो आपको क्या करना है? ओके, ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब मैं जो भी करूँगा, जैसा भी करूँगा, वो आपको करना है। ठीक है, आ जाओ। कौन आएगा अभी मेरी जगह? कौन लेगा? आओ। अब जो इसको हम देखेंगे, जो ये करेगी, हंसेगी, रोएगी, गाएगी, जो भी करेगी वैसे हम करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। बैठ जाना सबको। कैसी लगी आप सबको क्लास? अच्छी लगी? तो खूब खूब जोर जोर से रोना, खूब जोर जोर से हंसना, खूब नाटक करना। ठीक है, चलो, बाय बाय, वेरी गुड। नमस्कार, सप्तक कला केंद्र की नाट्य मंडली और रागगिरी की नाट्य मंडली आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही है एक छोटा सा स्वलिखित व स्वरचित नुक्कड़ नाटक, जिसका शीर्षक है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अलग अलग अब कूड़ा रखना, यही हमारा जीरो वेस्ट का मंत्र है। हरे में गीला, नीले में सूखा, लाल में घरेलू, हानिकारक कचरा। इससे बच्चे हमारे जानकारी मिलेगी स्वच्छता के विषय में, नाट के विषय में, और रोना, जो नाटक बताया है आपने, डांस बताया है आपने, बच्चों के स्वच्छता के बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया है। इससे बच्चों को बहुत बहुत ज्ञान मिलेगा। और हमें स्वच्छता के बारे में जो आपने बताया वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हमें बहुत लाभ हुआ है।